दोस्तों, जब क्लिकसेंस वाइसेंस पर चेंज हुआ उसके बाद कुछ चेंजेस यहाँ पे किया गया है। जब मैं वो क्लिकसेंस वाइसेंस कन्वर्ट हुआ तो मैं एक लाइव किया था, एक वीडियो भी मैंने डाला था, उसमें आपका सारे सारे कमेंट्स आने लगे कि यहाँ पे हम हमारा जो इनकम था उसको हम उड्र नहीं कर पा रहे हैं, पेपाल उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। फिलहाल न्यूज़ पे तो बताया गया है लेकिन इंक्लूड नहीं किया गया है। और बाकी ये क्लिकसेंस पे वाइसेंस कन्वर्ट क्यों हुआ और क्या क्या न्यूज आने वाले हैं, यहाँ पर मैं वाइसेंस का कुछ अपडेट दूंगा। और पहले मैं इसमें कैसे कैश आउट किया जाता है मैं आपको करके दिखाऊंगा जो पेपाल से। फिलहाल वाइसेंस का फंड जो है मेरे पेपाल अकाउंट पे आके वो कन्वर्ट होके मेरे बैंक अकाउंट पे भी ऑलरेडी आ चुका है। तो प्रीवियस मैंने रिकॉर्ड किया था उसको मैं दिखाऊंगा, कुछ अपडेट भी दिखाऊंगा। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पे और देखते रहिए आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश दास, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग मेंटर। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल घंटे जरूर दबाएं, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप देख सके वीडियोज। और दोस्तों चैनल पर जितने वीडियोज आपको मिल रहे हैं उसके जरिए आप ऑनलाइन पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑनलाइन जॉब्स मिल जाते हैं जिसके जरिए आप पार्ट टाइम हो या फिर फुल टाइम हो, घर बैठे सुबह हो शाम हो, जब भी आपको टाइम मिलता है आप काम कर सकते हो और कुछ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं घर बैठे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले लॉग इन कर देते हैं हमारा अकाउंट वाइसेंस का। दोस्तों लॉग इन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो जो फ्रेंड्स जो भाई यहाँ पर ज्वाइन होते हैं हमारे वीडियोस देखे हमारे स्पॉन्सरशिप के जरिए अफिलेट के जरिए, तो आप हमें बताइए आपको कैसे इंप्रूव कराना है, कैसे आपका अर्निंग यहाँ पर हो जाएगा। सर्वे से हो, ऑफर से हो, टैग से हो, वाइसेंस के अलावा भी जो सर्वे साइट है वहां पर आप कैसे कर पाओगे, तो पर्सनली आपका हम मदद करेंगे यहाँ पर। ओके, जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो भी कमेंट करें और जो ज्वाइन करने वाले हैं वो भी कमेंट करें। ओके, यूट्यूब पे कमेंट आप कर सकते हो या फिर फेसबुक पे जो लिंक है जाके आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर साइन इन करके कैसे विड्रॉ किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखिए अवेलेबल बैलेंस जो है मेरा 4.39 है। जो यहाँ पर आप जो जो कैश आउट मिल रहा है, कैश आउट में जब आप जाओगे तो ये ट्रांसफर कर देगा वो रिवार्ड अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेपाल जो है $10 का आपको मिल जा रहा है गिफ्ट कार्ड, और स्टीम का मिल जा रहा है $50 का। तो यहाँ पर $10 आपका जो अकाउंट होता है तो आप पेपाल पे ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने जो ऑर्डर किया था उस वक्त $25 पेपाल गिफ्ट कार्ड था। मैं आपको करके कैसे किया था मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आगे कुछ अपडेट दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर टोटल बैलेंस हमारा देख सकते हो 26.58 था और ये कैश आउट पे जब हम क्लिक किए 26.58 ये ट्रांसफर कर दिया हमें रिवर्ड पेज पर। और ये पेपल आप देख सकते हो $25 का गिफ्ट कार्ड हमें यहाँ पर क्लिक करना है, लेना है $25 गिफ्ट कार्ड। तो जैसे ही हमने क्लिक कर दिए ये ट्रांसफर कर दिया हमें टर्म्स एंड कंडीशंस पर पेपल का। ओके, तो ये पेपल अकाउंट आपका वेरीफाई होना चाहिए और आपका ईमेल एड्रेस सेट होना चाहिए पेपल में जो यहाँ पर रजिस्टर किए हो, और आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम होना चाहिए। ये पेपल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ लिंकिंग बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर पेपल पर लिंक होना चाहिए, पेपल अप्रूव होना चाहिए आपका पेमेंट यहाँ पर लेने के लिए। तो यहाँ पर आपका अगर पेपल वेरिफिकेशन नहीं है तो जो लिंक दिया गया है उसके जरिए आप पेपल वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ लिखा गया है और उम्मीद है आपका पेपल अकाउंट जो है ऑलरेडी अप्रूव होगा होगा। तो ओके, तो $25 देख सकते हो गिफ्ट कार्ड, यहाँ पर आपको पासवर्ड दे देना है, आपका वाइसेंस का पासवर्ड दे देने के बाद आपको गेट रिवर्ड कर देना है। ओके, ये प्रोसेसिंग चलने के बाद ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर $25 का गिफ्ट कार्ड जो है, और आप $25 आप डिडक्ट हो जाएगा आपका अकाउंट से। ओके, तो यहाँ पर आपको कॉन्फर्म जो है कर देना है $25 गिफ्ट कार्ड। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं यहाँ पर आ गया है कंग्रेट्स ऑन योर रिडेम्पशन। ओके, $25 हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, अकाउंट से $25 डिडक्ट हो चुका है और आपको एक ईमेल कंफर्मेशन भी मिल गया है। ओके, तो चेकआउट आवर न्यूज यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और अकाउंट समरी पेज पर हम आ गए और यहाँ पर देखिए $1.58 बैलेंस हमारा रह गया है। और यहाँ पर देखिए एक ईमेल भी हमें मिल चुका है पेपाल की तरफ से जो $25 रिवार्ड हमें वो भेजिएगा, तो कंग्रेचुलेशन पेज। और $25 गिफ्ट कार्ड जो है हमारा अकाउंट पे 2 to 3 days के अंदर आ गया है। ओके दोस्तों, जब क्लिकसेंस से वाइसेंस कन्वर्ट हुआ तब तो आप इसको जरूर देखे होंगे। ओके, प्रो एच LLC जो है, तो एक्चुअल पे हुआ क्या है, जो क्लिकसेंस था
वो ऑलरेडी बेचा जा चुका है प्रो एज एलएलसी को। फिर आपके मन में सवाल आता होगा कि प्रो एज एलएलसी जो है क्या है। दोस्तों ये proage.com ये ऑफिशियल अकाउंट है, ऑफिशियल साइट है प्रो एज का। तो प्रो एज जो है एक आसान भाषा में मैं समझाऊं तो आपको, प्रो एज एलएलसी जो है कि इंटरनेट एंड मीडिया कंपनी है, जिसके अंदर ये स्वाग बॉक्स, माई पॉइंट, सोपट होम, इनबॉक्स डॉलर ये सब चल रहा था, और अभी नया एक लाइसेंस जो है आउट हुआ है। ओके मैं बता दूं, स्वैग बॉक्स, इनबॉक्स डॉलर ये सब 2003-04 से चल रहा है, और प्रो और क्लिकसेंस जो है 2003-04 पे भी लॉन्च हुआ था। ये फिलहाल अभी चेंज हुआ है, उससे पहले कुछ ओनरशिप चेंज हुआ था, लेकिन क्लिकसेंस का डोमेन इस तरह से चेंज नहीं हुआ था, वो डायरेक्टली प्रो एज पे नहीं, इस तरह चेंजिंग जो है ये फर्स्ट टाइम है क्लिकसेंस का। ओके तो पेपल जो अब फिक्स हुआ था ये अपडेट आप देख सकते हो, फिर फिलहाल पेपल पे तो विड्रॉ आप ले पा रहे हो। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है कि स्क्रिल और पेनिर पेमेंट रिक्वेस्ट, तो मैं बता दूं स्क्रिल और पेनिर ने रिसेंटली इनको परमिट नहीं दे रहा है प्रो एज को कि आप कस्टमर्स ये विड्रॉ ले सके, ठीक है, यूजर से विड्रॉ ले सके। तो जब ये परमिट दे देगा तो आप स्क्रिल और पेनिर के जरिए आपका पेमेंट ले सकते हो। फिलहाल आप पेपाल यूज कर सकते हैं। ओके देखिए साफ साफ लिखा गया है, वाइसेंस मेंबर्स हु रिडीम्ड योर पॉइंट्स फॉर स्क्रिल एंड पेनिर रिसेंटली, प्लीज नोट दैट वी हैव रिफंडेड योर अकाउंट्स बिकॉज वी आर नॉट एट अप्रूव्ड टू यूज देयर सर्विस। ओके तो टैंगो कार्ड भी आगे यहाँ पर अटैच होने वाला है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स लाइक कीजिए इस वीडियो को, जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें जो है हमारे चैनल, और इसी तरह सपोर्ट बने रखें हमारे साथ। रहते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। गुड लक।